नमस्कार, बोल स्काई में आपका स्वागत है। चेहरे की खूबसूरती बालों के बिना अधूरी है। बालों को अगर हेल्दी और मजबूत बनाए रखना है तो बालों की देखभाल करना जरूरी है। बालों को मजबूत बनाने के लिए मसाज करना बहुत फायदेमंद होता है। मसाज से बाल हेल्दी और खूबसूरत बनते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों में तेल की मसाज करने के बाद कुछ गलतियां करते हैं तो ये भारी पड़ सकता है। बालों की मसाज के बाद कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है, वरना इससे बालों में गंदगी, रूसी और ड्राइनेस की परेशानी हो सकती है, जो आपके बाल झड़ने की वजह बन सकता है। आइए जानते हैं ऑयलिंग के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ज्यादातर लोग बालों में उस वक्त तेल लगाते हैं जब उनके बाल गंदे हो जाते हैं, ताकि उसके बाद बालों को धो सके। अगर बाल पहले से ऑयली हो रहे हैं तो उसमें तेल लगाने से परेशानी बढ़ सकती है। ज्यादा वक्त तक बाल में तेल लगाने से गंदगी जम जाती है। तेल से धूल जैसी चीजें चिपक सकती हैं, जो गंदगी के साथ रूसी और दो मुहे बालों की वजह बन सकती है। अगर बालों को हेल्दी रखना है तो 3 से 4 घंटे तक तेल लगाएं। बालों को पोषण देने के लिए इतना वक्त काफी है। कुछ लोग कहते हैं कि तेल लगे बालों को गूंथ कर बांधने से बाल बढ़ते हैं। इसी चक्कर में लड़कियां तेल लगाकर टाइट चोटी कर लेती हैं। इससे दो मुहे बालों की परेशानी बढ़ सकती है, साथ ही बालों के डैमेज होने का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए बालों को ढीला ही बांधें। तेल लगाने के बाद बाल ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए तेल लगाने के बाद बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। तेल लगे हुए बालों में कंघी करने की वजह से बाल जल्दी टूटते हैं। गीले बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसे बालों में मालिश करने की वजह से बाल टूट सकते हैं। तो ये है बालों में तेल लगाने के बाद ना करने वाले काम। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।